देखिए पुलिस का काम बड़ा कठिन होता है और समाज के अंदर बहुत सारी विकृतियाँ पुलिस के सामने प्रस्तुत होती है। इन्हीं विकृतियों को का दर्शन का अवतार हमने देखा है कमरती थाना के अंदर। लगातार दो दिनों के अंदर दो ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई है जो पुलिस के लिए एक बड़ी चैलेंजिंग और बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने वाली घटनाएं थी। दोनों मर्डर केस के अंदर पुलिस को 24 घंटे के अंदर हमने सफलता हासिल की है। पुलिस का कार्य अपराधों की रोकथाम के साथ साथ में अपराधों की विवेचना करना और अपराधियों को तुरंत तरीके से पकड़ के और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना रहता है। इसमें पुलिस नंबर एक पे रही है। दोनों घटनाएं 18 अगस्त की और 19 अगस्त की जो दोनों घटनाएं रही हैं उसमें पहली घटना के अंतर्गत 18 अगस्त को जो है शिवनाथ यादव अपने भतीजे पुष्पराज यादव के साथ में गल्ला लेके आ रहा था। तो इसके इस घटना के अंदर 4-3 आरोपी रामसिया यादव, उमेश यादव और गुलेश यादव ने पीछे से तुराड़ी से उसकी पुष्पराज यादव की हत्या कर दी। इस घटना पे तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय इनको पेश किया जा रहा है। दूसरी घटना 19 अगस्त की जिसमें जो मृतक मुन्नीलाल बंसल है वो झाड़फूक का काम करता है, उसकी हत्या राम मोहन विश्वकर्मा ने अपने ही घर में की। और इसका भी मुख्य कारण इस तरीके से सामने आ रहा है कि जो राम मोहन विश्वकर्मा है मानसिक रूप से जो है पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है और इस तरीके की जो घटना दर्शन हत्या का कार्य उन्होंने किया है जो कुकृत्य किया है उसके लिए पुलिस ने उनको तत्काल गिरफ्तार करके प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस प्रकार दोनों जो घटनाएँ हैं वो समाज की एक जो है विकृत स्थिति को प्रदर्शित करती है और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से समाज का जो बुरा चेहरा है वो हमें सामने दिख रहा है। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए इसमें दोनों घटनाओं के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। दोनों घटनाओं में तुरंत FIR दर्ज करके इनको न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है और ये पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सफलता रहती है कि ऐसे जो दुर्दांत घटनाएँ रहती हैं दुर्दांत बिल्कुल जो मानवता को कमजोर करने वाली घटनाएं हैं उसके आरोपियों को हम तुरंत पकड़ के उनको कोई ऐसा अवसर ना दें जिससे कि वो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कर सकें। इनके खिलाफ तुरंत चालान पेश किया जाएगा जल्दी से जल्दी और इनका ट्रायल विचारण किया जाएगा। इनमें से इनको सनसनी खेज प्रकरण में भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे आरोपियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल डाली जाएगी। देखिए ये जो पहली घटना रही है इसमें जो आरोपी है 3 व्यक्ति हैं रामसिया यादव, उमेश यादव और गुलेश यादव। इनके जो घर परिवार के अंदर ही जो एक लड़की है और जो मृतक है पुष्पराज यादव ये दोनों बालिक थे और दोनों जो है अपनी रजामंदी से चले गए थे। इसके पश्चात जो है अपनी स्वेच्छा से ये लोग रह रहे थे लेकिन जो लड़की के पक्ष के परिवार के लोगों को ये पसंद नहीं था और उन्होंने ये कृत्य किया है तो ये कहीं ना कहीं जो है उसकी श्रेणी में आता है। दोनों हत्याएं कैसी हुई हैं धारदार हथियार से? दोनों हत्याएं धारदार हथियारों से हुई है। पहली हत्या में कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया है और दूसरी हत्या में तांबा लगा के उसको मारा है।